आम आदमी पार्टी मालिया नगर विधायक सोमनाथ भारती गुरुग्राम पहुंचे, जहां पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कांड को करवाया है। हमेशा ही बीजेपी गरीब लोगों पर अत्याचार करवाती है। और लोकसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन होने तो ये हार जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, इस वक्त पूरे देश की एक ही मत है, माननीय मोदी जी को हटाना। ये शख्स जिस दिन से राजनीति में आया है, चाहे गुजरात में रहा हो, चाहे यहाँ रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो, खूनों की होली हुई है, लोगों की जानों से खिलवाड़ किया गया है। और जिस तरह से इनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर ये चुनाव जीत गया तो इस बार फिर संविधान ख़त्म कर देंगे, ये तो संविधान ही नहीं बचेगा, अगर हमारे अधिकार ही नहीं बचेंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? अभी गठबंधन हुआ है तो गठबंधन तो एक ऐसा कॉल है, हमारे लिए भी आसान नहीं है कि कांग्रेस के साथ बैठना, लेकिन ज़रूरत है, इस पर ज़रूरत है। अगर हमें जिस तरह की घटना यहाँ पे घटी है, जिस तरह की खून की होली यहाँ पे खेली गई और निडरता के साथ खेली गई, अगर इसको बचाना है, जान बचाना है, बच्चों को बचाना है, माँ को बचाना है, बेटी को बचाना है, तो वो सारी ताकतें जो कि भाजपा विरोधी हैं उनको एकत्रित होना पड़ेगा, तब जाकर के हम बचेंगे, देश बचेगा, परिवार बचेगा, तब कुछ सोच पाएंगे। सर, जिस तरह से होली के दिन जिस तरह से एक घर के अंदर घुसकर जो गुंडागर्दी दिखाई गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश होली खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मातम मचा रहे थे वो तो, लेकिन अभी तो सूद लेने कोई अधिकारी तक नहीं आए, यहाँ हालांकि 5 आरोपी अभी गिरफ्तार कर चुके हैं। देखिए, भाजपा ने जो तांडव किया है पूरे देश में, और होली के दिन जब लोग रंगों से खेल रहे थे तो भाजपा के लोग यहाँ खून से खेल रहे थे, ऐसा तांडव जब मैंने वीडियो पे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहाँ से सीधा चला आया। मुझे लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि आदमी के खून का प्यासा बन रहा है, किसका बरदहस्त इनको प्राप्त है, किसका सपोर्ट इनको प्राप्त है। मुझे याद है गुजरात के अंदर भी बाबू बजरंगी जैसे लोगों को सपोर्ट प्राप्त था माननीय मोदी जी का, और कहा था कि 3 दिन मेरी आंखें बंद रहेंगी, जो मर्जी है कर लो। यहाँ आकर के मुझे ये लग रहा है कि माननीय मोदी जी का बरदहस्त और इनकी आंखें हमेशा के लिए बंद है। आपको क्या लगता कि बीजेपी ने ये सब करवाया? बीजेपी ने नहीं करवाया तो किसने कराया? अगर बीजेपी का सपोर्ट इनको प्राप्त नहीं है तो किसका सपोर्ट प्राप्त है? अगर इस तरह का खून खराबे का दंगा, खून खराबे का खेल हो रहा है जहाँ भाजपा का राज्य है, और इस कदर लोग निडर हैं ऐसे हरकतें करने में जैसे कोई सरकारी तंत्र पूरा साथ खड़ा हो, उससे बड़ी बात क्या है कि हमें हो क्या गया है? आपस में एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे का खून के प्यासे बन रहे हैं, ये तो मानवता के नाम पर कलंक है। पूरे देश का माहौल ऐसा है जहाँ खास करके जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इतिहास में कभी नहीं ऐसा हुआ, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज मैं परिवार से मिलने यहाँ पे आया हूँ, मेरी पार्टी घोर निंदा करती है। पॉलिटिक्स से ऊपर भी उठ के अगर देखें तो ऐसा जघन्य अपराध जो कोई भी करे उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोगों को एक सबक मिले कि कोई अगर खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ ऐसा पेश आना चाहिए सिस्टम, व्यवस्था, सरकार, कि बाकी लोगों को लगे कि ये ऐसा करना अपने लिए मौत को दावत देने के बराबर है। थैंक यू सर।